गाइस, सो इट्स 5:05 इन द मॉर्निंग एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर राइड एंड लोकेशन जो है वो बताऊंगा जाते जाते। अभी मुझे पहले पहुंचना है कलंबोली मैगडी, 5:15 का रोल आउट टाइमिंग है वहाँ का। सो फटाफट निकलेंगे गणपति बप्पा मोरिय। बता ही देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट की तरफ। पुणे के पहले ये तामिनी घाट लगता है, गणपति मंदिर आता है पाली का। सो वहाँ से नज़दीक है, वही रूट से जाना पड़ता है एंड बहुत ही सिनेमैटिक सा व्यू है वहाँ पे। सो एक बार एक्सपीरियंस लेना था, बहुत बार वीडियो में देखा है, डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है कि तामिनी घाट बहुत ही अच्छा है एंड स्पेशली इन रेनी सीजन। सो एक्सपीरियंस लेना है तो फर्स्ट टाइम हम लोग निकले हैं। एंड मैं बता दूँ, लास्ट वीडियो में थोड़ा आपको वॉइस ओवर लगा हुआ, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे वॉइस ओवर डाला गया था। थैंक्स टू आवर माइक जो अपना था वो बंद हो गया था। सो कल रात को ही मैंने टेस्टिंग करवा लिया, ये माइक डाला गया है न्यू वाला, अपने पास स्पेयर में एक माइक था सो वो इंस्टॉल किया गया है। हल्की हल्की सी बारिश चालू हो गई है, मगर ज़्यादा बारिश ना हो यही उम्मीद है। एंड पूरा टंकी आज फुल कर दिया था एंड ट्रिप मीटर हम लोग 0 कर देते हैं ट्रिप 1 को। ओके, सो इट्स सेट 0-0, तो हमें भी पता चले कि हमारे घर से तामिनी घाट कितना डिस्टेंस है। गुड मॉर्निंग, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द तामिनी घाट। तामिनी घाट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं टोटली। एक जो है वो गोवा हाईवे से होते हुए है, सेकेंड जो है वो पाली गणपति जो है अपना अष्टविनायक में से एक, सो वो पाली गणपति से एक जाता है। एंड द थर्ड वन इज हमको लोनावला क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द तामिनी घाट। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ने प्लान किया है कि वी आर गोइंग थ्रू द पाली वाला रोड, बिकॉज रोड भी अच्छा है एंड वेल नोन रोड है। हमारे राइडर कम्युनिटी से 2-3 राइडर्स गए थे लास्ट वीक, सो उनके हेल्प से हमें पता चला कि रोड बहुत ही अच्छा है। सो हमें राइड के लिए ज्वाइन किया है काल ने। काल मेरे पीछे है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे केदार है और आगे है सुयश एंड उसके आगे है अपना निवास। सो वी आर इन पाली एंड जो गोवा हाईवे जो है अपना, उसी रोड को हम लोग अभी आगे जाके कनेक्ट होने वाले हैं एंड पाली में आए हैं। सो पाली का जो गणपति है अष्टविनायक में से एक गणपति पाली का, सो वहाँ पे जाएंगे। मंदिर के अंदर जाने की हम लोग की प्लानिंग नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि आपको भी पता है हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट की तरफ। सो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, मंदिर के बाहर से ही दर्शन लेके हम लोग निकल जाएंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये मस्जिद, क्या बात है, एक ही गाँव में मस्जिद एंड गणपति का मंदिर, क्रेजी कॉम्बिनेशन। और यही अच्छा साइन देता है बाकी के लोगों को भी कि इंडिया में एकजुट जो है वो अभी भी बरकरार है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं भागड़ MIDC रोड पे एंड यहाँ से तामिनी घाट है अराउंड 60 किलोमीटर। सो इट्स टुक अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स। सो उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे एंड तामिनी घाट में कुछ अलग लेवल की प्लानिंग चल रही है, कुछ अलग वीडियो आएगा आपके लिए। सो देखते हैं तामिनी घाट के भी आपको सीन्स दिखाएंगे। सो हमारे साथ जुड़े थे जो राइडर्स, वो है केदार है एंड सुयश भी है अपना एंड और दो राइडर है वो आ रहे हैं, उनको लोकेशन शेयर किया है। सो अभी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको मिलता हूँ ऑन अ बाइक। सो उससे पहले कुछ सिनेमैटिक शॉट हो जाए। सो वी आर इन तामिनी घाट एंड तामिनी घाट के सीन्स कुछ ऐसे है कि आप देख सकते हो पूरा फॉग और फॉग दिख रहा है। राइट हैंड साइड में अच्छे से वाटरफॉल आपको दिखेंगे
एंड तामिनी घाट की एक स्पेशलिटी है कि ये मालशेड घाट जितना ही फेमस है, सो आप देख सकते हो सीन। एंड पूरे घाट के दोनों साइड में अच्छे खासे फॉग मिले हैं, एंड ट्राई करेंगे ऊपर जाके कुछ अलग सा सीन करने की, तो वो भी आपको वीडियो में दिख जाएगा। एंड मैं देख रहा हूँ बहुत सारे राइडर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड कुछ फ़ोटोज़ भी हम लोग निकालेंगे, तो फ़ोटोज़ आपको पता है कहाँ देखने हैं, फ़ोटोज़ आपको दिखने मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम आईडी अभी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मज़ेदार फ़ोटोज़ के लिए। एंड ये रहा राइट हैंड साइड में एक अच्छा सा वाटरफॉल, यू कैन सी। तो तामिनी घाट कंटिन्यू करते करते हम लोग आ चुके हैं कुंडलिका वैली में, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कुंडलिका वैली है, एंड ट्राई करेंगे वहाँ पे बाइक लेके जाए, देखते हैं कैसे शॉर्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपको कुंडलिका वैली के यहाँ पे। सो फाइनली वी आर हियर एट कुंडलिका वैली, एंड कुंडलिका वैली में बहुत ही अच्छा ऐसा फॉग है, एंड यहाँ पे आए हैं। सो ये जगह हम आपको नीचे से तो दिखाएंगे, साथ ही साथ इसको ऊपर से दिखाने का भी हम लोग ने प्रबंध किया है। निवास कैसा लग रहा है आपको? तामिनी घाटा 3 तासाच्या राईड नंतर इथे आल्यावर हा जो धुका बघून मन एवढं खुश होतोय की मनाचा आनंद शब्दांमध्ये व्यक्त नाही करू शकत, एवढा नेचरचा हा सुंदर असा नजारा इथे आहे आपल्याला बघण्यासाठी। ह्या तामिनी घाटात अतिशय सुंदर हा स्पॉट कुंडलिका व्हॅली म्हणून इथे तुम्ही जरूर एकदा, लोणावळा टायगर पॉइंट काहीच नाही याच्यासमोर, स्वर्गासारखं हेवन, लिटरली हेवन वाटते इथे। तो अगर कभी चान्स मिला तो एक बार जरूर राइड करेंगे नेक्स्ट टाइम। पक्का पक्का, ऑब्वियसली यहाँ तो राइड बनता ही है, और फैमिली के साथ आने में बहुत मजा आएगा यहाँ पे। और आइएगा, जो यहाँ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आना है आपको, एंड मिलते हैं आपको डायरेक्टली ऑन अ बाइक। Alright guys, so it's time to end this video. So if you enjoy this video, don't forget to Niwas. Hey Niwas, bol. Ha, like karo. Share bhi karo. Subscribe bhi kari do. Aur button bhi daba do. Aur ha ha, aur na iska 1000 hone ko aaya hai. Jaldi jaldi jisne jisne subscribe nahi kiya na, daba do button subscribe pe, 1000 kar do bhai ka isi mahine ke end tak. So with that said, as always, bye bye, take care, sayonara, be happy, be positive, signing off, Thane Ka Sagar, milenge next video mein, tab tak ke liye jude rahiyega. Ho gaye hai, and abhi hamare saath hai Niwas, so usko puchte hai ki uska experience kaisa raha hai yahan pe. To Niwas, abhi haas haas mein ikde ikde ya raashir khali.